Hello friends, in the video series of theory of computation, in this particular video we will be discussing the next question of the Moore machine. हम Moore machine के बारे में concept discuss कर रहे थे. We have to construct a Moore machine that takes set of all strings over the input alphabet a comma b and we have to count the number of occurrence of string b a a. हमें किसके अक्रेंस काउंट करना है? बी ए ए का अक्रेंस काउंट करना है. सो गाइस कंडीशन क्या गिवन है मुझे? द सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट सिग्मा इज गिवन टू मी ए कॉमा बी एंड माय आउटपुट अल्फाबेट सपोज कैपिटल डेल्टा रिप्रेजेंट माय आउटपुट अल्फाबेट इज गिवन टू मी 0,1. सो जब भी मेरा 1 आएगा मीन्स आई एम गेटिंग एन अक्रेंस ऑफ बी ए ए. आई एम गेटिंग द अक्रेंस ऑफ बी ए ए. सो अब हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? इन द Moore मशीन द आउटपुट इज एसोसिएटेड इन द स्टेट. मतलब Moore मशीन में किस जगह पे आउटपुट होता है? इन द Moore मशीन द आउटपुट इज प्रेजेंट इन साइड द स्टेट. सो नाउ लेट्स सी द कंडीशन. सपोज आई एम ऑन माय इनिशियल स्टेट. ये मेरी इनिशियल स्टेट है. इस इनिशियल स्टेट का नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये स्टेट दे देते हैं इसका नाम एंड आउटपुट हेयर इट इज़ 0. जैसे सपोज करते हैं मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक बी मिलेगा. मैंने एक स्टेट चेंज करी, मैंने इस स्टेट पे पहुंच गया बी स्टेट पे, जहाँ पे आउटपुट क्या है? 0 है. अब मुझे अगर एक और ए मिलेगा, मैंने स्टेट चेंज कर दी और मैं नई स्टेट पहुंच गया सी स्टेट पे, यहाँ पे आउटपुट क्या है? 0 है. अगर मुझे एक ए और मिल गया, बी ए ए होगी कंडीशन. सो नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग? आई विल बी मूविंग टू डी स्टेट एंड यहाँ पे क्या आउटपुट होगा? यहाँ पे आउटपुट 1 होगा. सो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया अपनी मशीन का कि अगर मुझे एक बी ए ए मिल जाता है सो क्या आउटपुट होगा? आउटपुट विल बी 1. अब हमें क्या करना है? अब हमें इसे कंप्लीट करना है. सो इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है यहाँ पे? ए कॉमा बी इज़ माई इनपुट अल्फ़ाबेट. सो गाइज आप एक पर्टिकुलर कंडीशन देखो. अगर इनिशियली मतलब जैसे अगर मेरी एक स्ट्रिंग है ए ए ए बी ए ए, इनिशियली जितने भी नंबर ऑफ ए आते रहेंगे मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. फ़र्क कब पड़ेगा? जैसे ही मेरा एक बी आएगा तो मैं क्या करूँगा? स्टेट चेंज करूँगा और उसे मेमोराइज़ कर लूँगा. हम फाइनाइट ऑटोमेटा में स्टेट चेंज क्यों करते हैं? ताकि हम मेमोराइज़ कर सकें कि एटलीस्ट हमने एक बार तो कोई वैल्यू देख ली है. सो एक बार मैंने बी देख लिया, दैट्स वाई आई हैव चेंज द स्टेट. इनिशियली जितने भी नंबर ऑफ ए आते रहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ए बी, बी के बाद क्या चाहिए? मुझे ए चाहिए. सो इसके बाद अगर जितने भी नंबर ऑफ बी आते रहेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. आप देखो कंडीशन, जैसे अगर मेरा इनिशियली 2 बार ए आ गया, फिर एक बी आ गया, फिर दोबारा से बी आते रहेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर मेरे पास एक ए आ जाए तो मेरा पैटर्न बन जाएगा बी ए. अब मुझे क्या चाहिए? एक और ए चाहिए. आर यू गेटिंग दैट थिंग? आपको आ रही है कंडीशन समझ में? अब हम इस वाली स्टेट पे आएंगे. अगर इस वाली स्टेट पे एक बी आ जाता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे बी ए ए आ गया, या सपोज करते हैं ये एक पहली कंडीशन है, यहाँ पे यहाँ से मैं चला ए ए 2 बार आया, बी से यहाँ पहुँचा, एक और बार बी आया, एक और बार बी आया, फिर ए मिलकर के साथ मैं सी स्टेट पे पहुँच गया. सो अगर मेरा एक बी आता है तो मेरा क्या हो जाएगा? पैटर्न स्पॉइल हो जाएगा. आर यू गेटिंग दैट थिंग? पैटर्न कैसे स्पॉइल हो जाएगा? मुझे क्या चाहिए? बी ए ए, लेकिन क्या आ गया? बी ए बी आ गया. आर यू गेटिंग दैट थिंग? मेरा क्या आ गया यहाँ पे? बी ए बी आ गया. सो मैं क्या करूँगा? एक यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा ट्रांजेक्शन का लाइक दिस, कि अगर मेरा एक बी आ गया इसके बाद तो मुझे क्या चाहिए? दोबारा से 2 ए मिल जाएंगे तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी? फुलफिल हो जाएगी. आर यू गेटिंग दैट थिंग? ये कंडीशन आप ध्यान से नोट करो. कुछ बच्चे ये बी को यहाँ पे ले जा लेते हैं, कहीं और पे ले जा लेते हैं, लेकिन आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है. लाइक बी उसके बाद 2 ए मिलेंगे तो मेरा आउटपुट 1 प्रिंट हो जाएगा. सो अब इस स्टेट पे भी मूव कंप्लीट है. अगर गाइज इस लास्ट स्टेट पे मेरा बी आ जाएगा तो मेरी एंटायर सीक्वेंस क्या हो जाएगी? मेरी एंटायर सीक्वेंस हो जाएगी स्पॉइल. सो गाइज अगर मेरा डी स्टेट पे एक बी आ जाता है तो मेरी सीक्वेंस स्पॉइल हो जाएगी. सो मैं क्या करूँगा? एक ट्रांजिशन लगा के बी स्टेट की वैल्यू को यहाँ पे पहुँचा दूंगा, मतलब डी स्टेट की वैल्यू को इस स्टेट पे पहुँचा दूंगा. बी ए ए आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 प्रिंट हो जाएगा. सो क्या ये मशीन कंप्लीट है? नो, दिस मशीन इज स्टिल नॉट कम्प्लीट, क्योंकि डी स्टेट पे एक लिए कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है. अगर गाइज मेरा सपोज करो बी ए ए आ जाता है, उसके बाद दोबारा एक ए आ गया, सो मैं क्या करूँगा? दोबारा से स्टेट चेंज करूँगा और इसे इनिशियल स्टेट पे ले जा लूँगा. सो अब क्या कंडीशन होगी? ए उसके बाद क्या आएगा? बी ए ए. सो दिस इज़ माई रिक्वायर्ड मशीन. आप इसमें कोई भी वैल्यू ट्रैवर्स कर सकते हो और अपनी कंडीशन देख सकते हो. सपोज आई विल टेक एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कंडीशन. मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ स्ट्रिंग का. सपोज माई एग्जाम्पल इज बी ए ए. मेरा एग्जाम्पल क्या है? बी ए ए को मुझे क्या करना है? ट्रैवर्स करना है. सो आई एम ऑन इनिशियल स्टेट ए. ए स्टेट पे हूँ. ए स्टेट पे जैसे ही मुझे एक बी मिलेगा तो मैं कौन से स्टेट पे पहुँच जाऊँगा? बी स्टेट पे पहुँच जाऊँगा बी के थ्रू.
अब आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा, 1 0 डिस्प्ले होगा यहाँ पे। बी स्टेट पे आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा, 0। बी स्टेट पे जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा तो मैं कौन सी स्टेट पे पहुँच जाऊँगा, सी स्टेट पे पहुँच जाऊँगा। आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा, 0 डिस्प्ले होगा। अब सी स्टेट पे जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा तो मैं कौन सी स्टेट पे पहुँच जाऊँगा, डी स्टेट पे पहुँच जाऊँगा। आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा, यहाँ पे 1 डिस्प्ले होगा। सो आर यू गेटिंग द थिंग। सो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मुझे एक बी ए ए मिल गया तो मैंने क्या किया, 1 डिस्प्ले कर दिया। सो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि कितने नंबर ऑफ बी ए ए आएंगे, आई जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वंस। मेरे जितने भी नंबर ऑफ वंस डिस्प्ले होंगे डैट विल बी रिजेम्बलिंग द अकरेंस ऑफ बी ए ए। मेरी बी ए ए की अकरेंस को वो क्या करेगा, रिजेम्बल करेगा। सो गाइज आप ये मशीन एक बार ध्यान से देख लो, अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करके देख लो। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, आप अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग सम मोर क्वेश्चंस ऑफ द मूरे मशीन। सो स्टे ट्यून्ड।